जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिसीजन फैक्ट में। दोस्तों अभी जो हालिया न्यूज़ चल रहा है दोस्तों कि बहुत सारे लड़के दौड़ते दौड़ते बेहोश हो जा रहे हैं, ठीक है। वो कैसे मतलब वो क्यों हो रहे हैं, उसने क्या गलती करी है दौड़ में दौड़ते समय, ठीक है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही में जो है कि और समस्या आ रही है जो कि वोमिटिंग, चक्कर आना, ठीक है, चलते चलते जो है कि माथा घूमने लगता है, तो इन सभी विषयों पर जो है कि चर्चा करेंगे। साथ में जो कि मौसम जो प्रभाव डाल रहा है उससे कैसे बचे, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन का बटन होगा दोस्तों उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जो है कि वीडियो सबसे पहले आपके पास जा सके, ठीक है। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो है कि दोस्तों एक न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, ठीक है, जो कि आज का जो है कि पलामू में जो है कि 1.5 दर्जन जो है कि बच्चे बेहोश हो चुके दौड़ते दौड़ते, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पलामू में, हर जगह के यही आ रहा है, क्योंकि अभी जो मौसम है भादों का महीना दोस्तों, ये बहुत ही उमस भरा मौसम होता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या क्या करनी चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको कारण बताते हैं दोस्तों कि जो है कि बेहोश क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो बेहोश होने का पहला कारण है कि आप दौड़ते समय जो है कि दौड़ने से पहले दोस्तों, ठीक है, बॉडी का स्ट्रेचिंग ना करना, ठीक है। दूसरा कारण है कि ब्लड फ्लो, ठीक है, आप जैसे ही दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपका जो नॉर्मल जो ब्लड सर्कुलेशन है, तो ब्लड सर्कुलेशन अचानक बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। उससे क्या होता है कि नसों में, मसल्स में, ठीक है, इसमें जो है कि ब्लड जो है कि बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है, और पेट में जिसका जो पेट का जो वेन्स है अगर यदि वहाँ पे नहीं जा पाती है तो बेचैनी टाइप का लगने लगती है, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल जो है कि कम हो जाता है पेट में, तो जिसके कारण जो है कि वोमिटिंग वगैरह और चक्कर आने की जो है कि प्रक्रिया शुरू हो जाती है और लड़के गिर गिर कर बेहोश हो जा रहे हैं, ठीक है। इससे बचने का एक उपाय है दोस्तों कि आप जो है कि दौड़ शुरू करने से पहले, ठीक है, दौड़ शुरू करने से 3 से 3.5 घंटे के अंतराल में जो है कि आप थोड़ा थोड़ा सोडियम का यूज करें, ठीक है। सोडियम कहने का मतलब है दोस्तों कि सोडियम जो है कि आपको बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है, तो जिसके कारण इस तरह का समस्या नहीं आती। तो सोडियम में मतलब है दोस्तों कि आप जो पानी पियेंगे, ठीक है, उसमें जो है कि नमक मिलाकर पीजिएगा, ठीक है। तो मेन कारण ये है दोस्तों कि जो है कि आपका बॉडी में जो है कि पेट में जो ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये समस्याएं आती है। साथ में दोस्तों कि अगर आपका दौड़ 2 घंटा बाद है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका दौड़ जो है कि 6 बजे से शुरू होने वाला है, तो आप जो है कि क्या कीजिए कि 6 बजे से 2 घंटा पहले, ठीक है, मतलब 4 बजे, 4 बजे तक जो है कि आपको, 4 बजे के बाद तक जो है कि आपको कभी भी हैवी डाइट नहीं लेनी, हैवी मील नहीं लेना, ठीक है। मतलब जो है कि मोटा भोजन नहीं करना है, दाल भात सब्जी रोटी वगैरह नहीं खानी, ठीक है। जितना से ज़्यादा हो गया आप केला खा सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को खा सकते हैं, ताकि जो है कि आपको जो कि इस तरह की समस्या से आप जो है कि बच सकते हैं, ठीक है। और आगे बताते हैं दोस्तों कि अगर आपको जो है कि इस तरह का समस्या दौड़ते दौड़ते समय आ रही है, ठीक है, तो जो है कि आप इससे कैसे बचे, तो ठीक है, मान लीजिए कि आपका 10 किलोमीटर का दौड़ है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें जो है कि सांस लेने का तरीका है। तो सांस लेने का तरीका क्या है कि मान लीजिए कि आप 2.5 किलोमीटर तक दौड़े हैं, ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, 2.5 से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक कि नाक से ही लेना है सांस और नाक से ही छोड़ना है, ठीक है। आपने जैसे ही 70% दौड़ को जो है कि कंप्लीट कर लिए, तो उसमें क्या करना है कि नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है, ठीक है, नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। जब आपको पता चले दोस्तों कि जो है कि मेरा फाइनल राउंड है या फिर 1.5 राउंड बाकी है, तब जो है कि आप मुंह से लीजिए, मुंह से छोड़िए, और जितना आपका एफर्ट है दोस्तों उतना ही लगाइए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आप लगाइएगा एफर्ट तो फिर आपको वही समस्या आ जाएगी, ठीक है। तो आपको एफर्ट के अनुसार दौड़ना है, बहुत सारी भर्तियाँ आएंगी दोस्तों, ठीक है, जीवन बहुत कीमती होता है, ठीक है, तो आपको जो है कि इन सभी चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ में और एक काम आप कर सकते हैं दोस्तों कि आप जो है कि अगर यदि आपको इस तरह का समस्या आ रही, तो सीधे आप जो है कि उस समय जो है कि धीरे से रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए, बैठ जाइए, समझ गए, और पेट को थोड़ा सा ऐसे मतलब आपको प्रेस करना है, समझ गए दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को जो है कि आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो है कि बहुत सारी समस्याएं आ रही है। और एक बात है दोस्तों कि जो है कि दौड़ते समय जो है कि सोचने की जो क्षमता है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो उस समय दिमाग में एक ही चीज़ चलता है कि दोस्तों कि जो है कि पास कैसे करें, हमसे हो पाएगा कि नहीं, सोचना जरूर है, लेकिन जो है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। अब पॉजिटिव सोचना है तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप अपना जो है कि आपा खो दीजिए, समझ रहे ना बात को। आपका जितना क्षमता है, शारीरिक क्षमता सबका अलग अलग होता है दोस्तों। अगर कोई बहुत जोर से दौड़ रहा है तो उसको पीछा भी नहीं करना, ठीक है। आपका जो नॉर्मल चाल है, जिसमें आप क्षमता है आपको दौड़ने का, आपको उस चाल में दौड़ना है, समझ गए। दूसरे को देख के जो है कि आपको अपना जो है कि शारीरिक स्थिति को गड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो आपको इस तरह का समस्या
का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर यदि आपको इस तरह का और अपडेट चाहिए तो आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में छोटी छोटी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों को ये जो है वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।